हेलो नमस्ते। तो ये तीन क्यूट क्यूट से बेबीज़ हैं और जो मैंने बनाए हैं, और इनकी जो स्माइल है वो देख के बता दी है कि सावन आ चुका है। तो आप सभी को हैप्पी 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 सावन। और यस, हमने कुछ बनाया है आज आपके साथ शेयर करते हैं। और सच्ची बताऊँ, इसे बनाने में हमें बहुत 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 मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा इजी था। आप भी अपने घर में, अगर आपके पास कुछ ऐसा पड़ा होता है, आप भी बना सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने यूज़ करी है ये रस्सी, और ये जूट वाली रस्सी है, और ये पूरा का पूरा मैं बंडल लेके आ गई हूँ। इस बंडल में कम से कम आई थिंक 4 किलो रस्सी है ये, और हमारे यहाँ लोकल मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाती है। तो आपको चाहिए रस्सी, और अगर आपके पास इस तरीके से स्टोन्स पड़े होंगे तो ज़रूर इसको रीयूज़ कर सकते हो। आप भी सोचते होगे न्यू स्टोन का क्या करूँ, मेरे पास बहुत टाइम से थे और मैं वही सोच रही थी क्या करूँ, क्योंकि मैं मनी प्लांट में स्टोन्स रखती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इस तरीके के ये वाले मेरे पास में वो बास्केट या वो होल्डर्स हैं, ये इसमें पेन वगैरह रख सकते हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ। तो मेरे पास 3 वाइट थे तो मैं 3 लेके आई हूँ, तो इसके हम 3 बनाते हैं। चलिए, और इसके लिए हमें यूज़ करनी होगी ग्लू गन, और ग्लू गन की ये हैं स्टिक्स, क्योंकि एक स्टिक में तो होने वाला नहीं है, मेरी कम से कम 2 से 3 स्टिक तो लग गई हैं। तो इस तरीके से आप ग्लू गन आपको ना कहीं भी अब तो बहुत आसानी से मिल जाती है। एक टाइम ऐसा था कि बहुत मुश्किल से मिलती थी, ढूंढे नहीं मिलती थी, और बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ हमें लगती थी। बट अभी आपको बहुत ही आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी दुकान में आप चले जाइएगा, आपको ग्लूगन मिल जाएगी। ग्लूगन से अगर आप चिपकाते हो तो बहुत अच्छे से चिपक जाती है रस्सी वगैरह, और बहुत अच्छे से मतलब छूटती नहीं है फिर। तो इस तरीके से आप इस पर चिपका लो, और इस पर चिपकाने का मतलब ही मेरा यही था कि हाँ, मेरे को कुछ भी जूट का बनाना था, और जूट की चीज़ें पता है दिखने में बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अभी मैं कुछ और चीज़ें भी जूट की बनाऊंगी, या कुछ और DIYs बनाऊंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं इस तरीके से कुछ बनाती हूँ। देखो, थर्माकोल का भी हम बना सकते हैं, कार्डबोर्ड के डब्बे आते हैं उसका भी इस तरीके से। हम मेरे पास ये गोल डब्बा है, ज़रूरी नहीं आपके पास सेम यही चीज़ हो। जब भी आप कोई DIYs देखो तो पता है कि आप ये सोचो कि आपके घर में कौन सी चीज़ ऐसी पड़ी है जो आप रीयूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिसके घर में जो चीज़ पड़ी होती है वो वही रीयूज़ करके आपको दिखाते हैं, और आप जाके नया चीज़ खरीद के लाओ, फिर उसको DIY करो, फिर उसको रीयूज़ करो, तो मतलब नहीं बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर हो सकता है कोई खाली टीन का डब्बा पड़ा हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों के जो दूध के डब्बे आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको कुछ और मिल जाएगा, वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ऐसे धीरे धीरे करके इसमें ग्लूगन की सहायता से इसको चिपकाना है, और चिपकाने के लिए ये है कि इस तरीके से आप पकड़ के चिपकाइए। लेकिन एक बात है, ग्लूगन है तो इसलिए बहुत ही सावधानी से ये काम करिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लूगन की वजह मतलब काफ़ी गर्म होता है जो इसमें से ग्लू निकलता है, तो हाथ में लगने का भी डर रहता है। और एक चीज़ और दिक्कत है, क्योंकि ये जाली है, तो अगर आपने नीचे से उंगली लगाई है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी नीचे से उंगली में ना लग जाए। इस तरीके के डब्बे भी अगर आप लेने जाओगे, आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, मतलब 39 के 49 के इस तरीके के डब्बे मिल जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आप नया डब्बा ला के कुछ ऐसा काम करोगे, आप पुराने में ही कर लो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मेरे पास ये था इसलिए मैंने यूज़ किया है, और इस तरीके से हमने पूरे डब्बों में ये लगा लिया है। अभी देखिए ना, इसको हम दो तरीके से, यहाँ पे हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम इसको पहले से ही हैंगिंग वाला ही बना देते हैं, और उसके बाद में हम कुछ और करेंगे। क्योंकि अगर आप हैंगिंग वाला एक बार बना देते हो तब तो ठीक है, बाद में अगर हम सोचेंगे इसको हैंगिंग वाला बना दो तब तो बनाना मुश्किल होगा। सॉरी, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। तो अभी ये इतना बन चुका है, और इसको हम सोच रहे हैं हैंगिंग करने के लिए। तो हैंगिंग करने के लिए हम इसमें पहले से ही डोरी बांध दे रहे हैं चारों कोनों में, और अगर बाई चांस हैंगिंग नहीं करना है तो वो डोरी हम अंदर कर देंगे सेफ साइड, और अगर हैंग करना है तो हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, क्योंकि एक बार रस्सी लग जाएगी फिर उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलो वो बनाते हैं, और ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी सी लग रही है, और इसके ऊपर अभी मैं स्टोन्स लगाऊंगी, फिर आप फाइनल लुक इसका देखिएगा कि कितना अच्छा आता है। नहीं बड़ी बहुत है, इसके साइज के हिसाब से डोरी बनाओगे ना, अब इससे ज्यादा बड़ी कर दोगे तो थोड़ी ना अच्छी लगेगी, और गांठ लगेगी दो जगह। तो इसको हम कर लेते हैं, कितनी 3 हो गई, और ये हो गई 4। हां, उसी साइज के एक और काटे ना, इसके बराबर होता है। हां, सबके लिए काट के लगा देंगे। और पेपर कटर नहीं मिला, अगर आप पेपर कटर लेके बैठते हो तो ज्यादा अच्छी चीज है। मेरा वाला वैसे भी खराब सा हो गया है, नया लेके आना है। और ये
ये हो गया हमारा हैंगिंग प्लांटर। अभी ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, इसमें अभी मैं एक पतली सी वाली लगाती हूँ। और कैसा लग रहा है? अभी इसमें हम ये वाले स्टोन्स लगाएंगे बारी बारी से, तो इसका लुक जो है वो बहुत 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 बढ़िया आने वाला है। और रस्सी के बारे में अभी मैं लास्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, हम रस्सी कहाँ से लेके आए। आप लोग मुझे पता है अभी पूछने के लिए बैठे हो कि तुमको ये रस्सी कहाँ से मिली, कहाँ से लेके आई इतनी सारी रस्सी, कौन ये वो, बहुत सारे सवाल होंगे। मैं आपके सारे सारे सवालों का जवाब देती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं कवर करके आती। तो मैंने क्या किया, इसी में ही अच्छे से हैंगिंग गला भी बना दिया और अभी आराम है क्योंकि मुझे अलग से बांधना नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से ये वाले पत्थर लेके मैं ग्लूगन की सहायता से ये पूरी तरीके से इसमें चिपका दूंगी। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्लूगन लगेगा क्योंकि ये थोड़े चिकने टाइप के होते हैं। आपके पास कुछ और पड़ा हो तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। आप सोचो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आप उसको रीयूज़ करो और उससे कुछ नया बनाओ। और मेरे पास ये पत्थर ही पड़े थे, मैं वही सोच रही थी कि किस तरीके से मैं इनको यूज़ करूँ। अगर आपको लग रहा है कि अंदर से डब्बा दिखाई दे रहा है तो नहीं, जब आप इसे हैंग करोगे ना तो आपको कहीं से ही अंदर का डब्बा नहीं दिखाई देगा। मुझे एक बारी फील हुआ कि मैं अंदर भी कुछ लगा लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं यार अंदर लगाने की तो कोई ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि जब हम इसे हैंग कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। और इसके अंदर एक काम कर सकते हैं हम, छोटे से डिब्बे उसमें करके मनी प्लांट प्लांट की एक लगा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जो लग जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसे बच्चों के पेन वगैरह रखने के लिए फिर अब यूज़ करिए तो और सुंदर लगेगा। इसको अगर आप टेबल पर यूज़ करोगे तो भी सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने आराम से घर में बैठे हैं और फ्री हैं तो बना सकते हैं। और इस तरीके से एक एक करके मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और देख के लगाइए, गिनती करके। मैं वही देख रही थी कि पूरे में कितने लग जाएंगे, किस हिसाब से मैं लगाऊं। और दिक्कत ये हुई, आपको पता ही है गन्नू छोटा है, गन्नू ने सारे इधर से उधर फेंक दिए। मेरे को पता नहीं था अभी कितने और बचे हैं कितने नहीं बचे, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, एक लाइन लगा के इसको सूखने के लिए रख दिया। उसको रख दिया सूखने के लिए और दिखने में वो सच्ची होता है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसमें पहले से ही रस्सी बांध ली है, अब इसको भी हम अच्छे से लगाते हैं। लेकिन इसमें हम स्टोन दूसरे कलर के लगाएंगे, तो जब कलरफुल स्टोन आसपास रहेंगे ना तो मेरे ख्याल से काफी सुंदर लगेगा ये, है ना गन्नू? इसमें क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। देखो गन्नू बता रहा है कैसे लगाएंगे। गन्नू सबको हेलो बोलो, से हेलो, हेलो नमस्ते। ये गन्नू के पापा ने गन्नू के बाल थोड़े खराब कर दिए बाल खराब हो गए गन्नू की, कोई बात नहीं। चलो मैं इसको भी और उसको भी तीनों को बना के मैं फिर आती हूँ अभी आराम से। हाँ, तो उस वाले पे तो लगे हमारे वाइट कलर के और इस वाले पे हमने लगाई है ब्लू कलर के। और ये ब्लू कलर के वाला ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली हमारी ग्लूगन का ये वाली जो हमने स्टिक लगाई ना, इसमें कुछ जो रबर होती है ना वो हल्की सी फंस गई, तो इस वजह से वो रबर वो मतलब बार बार निकल नहीं रहा था। तो उसे ना मुझे पुश करके बार बार निकालना पड़ रहा था। मैं वही कह रही थी, मैं कहा इस बार ग्लूगन का ये वाली स्टिक ना थोड़ी सी सही नहीं बैठी है, तो इस वजह से वो देखो यहाँ पे फेस बना के रखे हैं मैंने। अभी ये फेस भी इनको लगाने हैं, क्यूट क्यूट से फेस लगाएंगे। और ये ब्लू कलर भी बहुत सुंदर है। अभी इस वाले में के लिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कलर का ये ब्लू है, ये भी पत्थर ना बहुत 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 प्यारा है। लेकिन बच्चों से बचा के रखे, गन्नू ने मेरे काफ़ी सारे तोड़ दिए क्योंकि ये कांच होता है, ज़रा सा एक बार नीचे गिरेगा ना पट से आवाज़ आएगी और ये टूट जाएगा। और अब इस वाले में मैं ये वाला लगा रही हूँ जो लाइट कलर वाला बच्चा है ना, ये लगा रही हूँ। दो लोगों की मदद से बहुत आराम से ये लग जाता है क्योंकि एक इंसान ग्लूगन इतनी देर से, तो मैंने खुद से लगाया था अभी आ गए फ्री थे तो, और एक ग्लूगन से मतलब कि ग्लू लगाता रहता है और दूसरा ना जो चीज़ स्टिक करनी होती है वो चीज़ स्टिक कर देता है। तो इस तरीके से ना हमारा ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो चलो अभी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ तीनों का कैसा लगा है। और अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपको एक आपका एक लाइक मुझे अच्छा लगेगा। और खाली बैठी थी और एक्चुअली मैं पता है आज कुछ और करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो कुछ बनाते हैं। तो ये रहा इनका फाइनल लुक, ये ब्लू कलर वाले, ये वाइट कलर वाले और ये बिल्कुल से लाइट कलर के हैं। और ये थोड़े से कम पड़ गए थे इसलिए यहाँ पे हमने इनका फेस जो है थोड़ा सा पहले से बना दिया। आप बताइए आपको सबसे सुंदर कौन से लग रहा है। मुझे जो सबसे सुंदर लग रहे हैं वो वाइट वाले लग रहे हैं। और ये देखो जब ये सोचो हैंग करेंगे ना कितने क्यूट लगेंगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अगर आप चाहो तो इसमें एक दो और फेस भी बना सकते हो कि अगर घूम के आता है तो फिर दो दो या तीन फेस अगर आप इसमें कवर कर लोगे तो दो तीन फेस ऐसे घूम के आएंगे। और चाहो तो इसमें सिर्फ फेस बना सकते हो, एक लेयर ऊपर स्टोन की लगा सकते थे और सिर्फ फेस बना सकते थे। इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज़ हैं जब आप बना लेते हो उसके बाद आपको आते रहते हैं, क्योंकि जो आप बना लेते हो उसका आउटपुट आपकी नज़र में सामने आ जाता है। तो अभी आप बताओ कैसा लग रहा है आपको, सबसे प्यारा वाला कलर कौन सा लग रहा है, मुझे ये वाला बताइए। चलिए तो जैसे कि मेरे ये मिनी हैंगिंग पॉट्स बन चुके हैं और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।
और जितने आपको दिख रहे हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप चाहो तो इसे हैंग कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसे अंदर भी रख सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मैंने इसमें जो डोरियाँ लगा दी हैं उससे एक चीज़ अच्छी, अगर मुझे कहीं यहीं पर रखना है तो इसके अंदर मैं आराम से एक प्लांट रख के ऐसे भी रख सकती हूँ ट्रे में या कहीं भी, और अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं हैंग भी कर सकती हूँ। और सबसे सुंदर मुझे तो फिलहाल ये वाइट, ये देखो कुछ कुछ इसमें से भी गिर रहे हैं, इसमें आपको भी लगाना है, थोड़ा सा इनको और सूखने का टाइम देना पड़ेगा, टाइम अभी थोड़ा सा कम मिला है अभी सूखने के लिए। एक ग्लू गन अभी गर्म होगी ना, ये ले इसको एक स्टोन लगा दो, ये गिर गया है यहाँ से। और ये है हमारा बलू। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कुछ पड़ा है तो आप, ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ, आपके दिमाग में और कुछ आया तो आप और कुछ भी बना सकते हो। यहाँ का गिरा है तो आप इसको और भी कुछ क्रिएटिव तरीके से बना सकते हो, इसमें हम और भी अलग तरीके से हम सजा सकते हैं। चाहे तो हम इसको, मैं टेसल भी बनाने की कोशिश कर रही थी बट टेसल इस पर इस कलर की उनका जा नहीं रहा था इसलिए मैंने टेसल नहीं लगाए हैं। और थोड़ा सा इसको अभी सिंपल, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरा है क्योंकि जो जूट की रस्सी लगाई है तो उसका भी थोड़ा सा लुक निकल के आना चाहिए, तो इसलिए उसका भी लुक निकल के आ रहा है। और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, मतलब इसको मैं कहीं भी रख सकती हूँ, तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आप हमसे पूछेंगे मुझसे कि जूट की रस्सी इतनी सारी मैं कहाँ से लेके आई हूँ, तो जो पतली वाली रस्सी है और मोटी वाली रस्सी है, एक्चुअली में अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो ये बहुत महंगी मिलेगी, मीटर के हिसाब से मिलती है, लेकिन अगर आप इसे ऑफलाइन मतलब कि अपने लोकल बाज़ार से जाके खरीदेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। लोकल बाज़ार में बात करूँ तो जो पतली वाली जूट की रस्सी थी वो शायद 180 रुपये किलो कुछ ऐसे मिली थी, और जो मोटी वाली जूट की रस्सी है वो मिली है मुझे, वो भी कुछ ऐसे ही किलो में मिली है। हाँ, पतली वाली 150 रुपये किलो, मोटी वाली 180 रुपये किलो। जो पतली वाली जो आपको इतना मोटा, मैं बंडल आपको भी दिखाती हूँ, वो बंडल पूरा होना 1 किलो का बंडल, 1 या 1 किलो 10 या 20 ग्राम का बंडल है, तो सोचो उसमें कितना सारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो पतली थी इसलिए मैंने लगाई नहीं, क्योंकि पतली रस्सी को आपको बहुत ज़्यादा मोड़ना पड़ता है, मोटी रस्सी थी इसलिए मैंने मोटी वाली लगाई। अगर आप बिगिनर हो या मतलब टाइम कम है आपके पास तो मेरे ख्याल से आप मोटी रस्सी से बना सकते हो, पतली भी अपनी तरह की एक सुंदर लगती है, बट पतली वाली रस्सी को लगाने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी ये मेरे प्लांटर कम होल्डर, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, वैसे तो मैं इसे प्लांटर ही बोलूँगी, कहीं भी इसको हैंग करने के लिए आप चाहें, पता है ये वहाँ भी बहुत सुंदर लगेंगे जो पर्दे के किनारे वो होते हैं ना, यहाँ पे जैसे कि इस जगह पे पर्दे के किनारे की तरफ, हम वहाँ भी इसको हैंग कर सकते हैं, वहाँ भी एक छोटा सा प्लांट, वो मनी प्लांट लगा के हैंग कर सकते हैं, ताकि वो मनी प्लांट उसके आपके क्या बोलते हैं पर्दे की रॉड के ऊपर चला जाएगा, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो चल इसके अंदर प्लांटर बस रखना पड़ेगा। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, कुछ ऐसी बैठ के करी थी, मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। अभी तो जूट की रस्सी भी तो बहुत सारी मेरे पास रखी हुई है, कुछ ना कुछ इसका और भी हम बनाएंगे। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और ये कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।